वैसे बैंक मर्जर तो आप जानते ही होंगे कि क्योंकि लॉकडाउन के बाद से देखा गया कि बहुत सारे बैंक आपस में विलय हुए, बहुत सारे बैंक जो है मर्ज किए गए। लेकिन एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पेमेंट्स बैंक को लेकर, जो कि है एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मर्जर पेटीएम पेमेंट्स बैंक में होने वाली है, ऐसा कुछ खबर निकलकर सामने आई। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है और आप न्यूज़ देखोगे तो भरा पड़ा है, और इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। हमारे बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो के अंत में कमेंट भी करेंगे कि क्या आपको लगता है कि सच में एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ मर्ज होगी। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो है देश का पहला पेमेंट बैंक है, और इसकी लॉन्चिंग डेट मैं आपको यह बता देना चाहूंगा 11 अप्रैल 2016 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक आ चुकी थी, लॉन्च हो चुकी थी। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में बात करें तो बताया गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 18 नवंबर 2017 को आई। तो यहां पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है पहला पेमेंट्स बैंक भारत के लिए बनी। और यहां पर यूजर बेस के बारे में बात करूं तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक में बताया गया है कि 62 मिलियन यूजर है। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात करें तो 300 मिलियन यूजर वॉलेट का और 60 मिलियन यूजर पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट का। वैसे ये अपडेट पुराना है, नया अपडेट आने के बाद ये पता चलेगा कि यहाँ पर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है, किसके हाथों में कितना यूजर है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुशी की बात एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ये जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है वो प्रॉफिट में चलने लगी है 2021-22 के आसपास से। लेकिन पेटीएम के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम ही होगा कि पेटीएम का शेयर प्राइस अभी कहाँ जाकर अटका हुआ है। ऐसे आप सभी को याद दिला दूं कि पेटीएम का आईपीओ डेट जो था वो 8 नवंबर 2021 था, 8 नवंबर 2021 से 10 नवंबर 2021, और लिस्टिंग जो डेट था वो 18 नवंबर 2021 था। अगर प्राइस के बारे में बात करें तो आईपीओ का जो प्राइस था वो 2080 रुपया से लेकर 2150 रुपया पर शेयर करके था। लेकिन अभी आप शेयर प्राइस इसका देखोगे तो यहां पर जो शेयर प्राइस है वो 622 रुपया है, जो कि आज का मैं आपको बता रहा हूं। धीरे धीरे करके अभी बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फिर भी तो घाटे में ही है। तो क्या आपको लगता है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ मर्ज होगी? वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि अगर एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मर्जर संभव हो भी गया, यहां पर जो है प्रतिशत के हिसाब से डील हो भी गई, तो यहां पर देखना शेष रहेगा कि क्या क्या कुछ बदलाव आता है। वैसे मैं आपको बताऊं तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर होता है, और वही बात होता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, यानी एक ही मोबाइल नंबर से आप अकाउंट खोलते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर वही मोबाइल नंबर होता है और पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट नंबर वही मोबाइल नंबर होता है। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 91 लगा होता है मोबाइल नंबर के आगे, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट के अकाउंट नंबर में 91 नहीं लगा होता है। तो देखना शेष रहेगा क्या आपको एक नया अकाउंट नंबर मिलता है या फिर अकाउंट नंबर सेम होता है। इसके साथ ही जो सर्विसेज आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक में मिल रही थी अब उसी के अकॉर्डिंग आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मिलेगी, अगर मर्जर हुआ तो। वैसे इसका संभावना अभी बता नहीं सकता, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आई है भाई, जरूर कुछ ना कुछ बात हुआ होगा, तभी तो खबर निकलकर सामने आया। वैसे मैंने आपको जानकारी दे दिया, मर्जर का और कुछ जानकारी आता है तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचित कराऊंगा, कुछ बदलाव होता है तो आपको मैं सूचित कराऊंगा। वैसे आप सभी को यह बात बता देना चाहूंगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक दोनों ही तगड़ा बैंक है। अब देखना शेष है लोगों का पसंदीदा कौन है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपको बढ़िया लगता है या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक या फिर मेरे तरह दोनों ही। आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोग ये भी बताइए क्या यह संभव है एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मर्जर। वैसे आ तो चुका है, यहां पर खबर तो निकल गई है, अब खबर निकलते निकलते कितना सारा बैंक मर्ज हो गई आपस में, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या होता है।